नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग न्यूज में। देश में बेरोजगारी अब कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी बनती हुई जा रही है। जल्द ही बेरोजगारी कम नहीं की गई तो ये महामारी भारत की मुसीबत बढ़ा देगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस महीने यानी कि मार्च 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 6.5% है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.1% है तो ग्रामीण इलाकों में 6.2% है। यानी शहरों में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। हरियाणा, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, त्रिपुरा, दिल्ली और पंजाब, इन आंकड़ों के आईनों में दिखता है कि देश भले ही कोरोना से अनलॉक हो गया हो, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के मौके कोरोना के आते ही लॉक हो गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के पहले 3 महीनों यानी कि अप्रैल से जून 2020 के दौरान देश में शहरी बेरोजगारी दर 20.9% तक पहुंच गई थी, जबकि ये दर उसके पहले 3 महीनों यानी कि जनवरी मार्च 2020 के दौरान 9.1% है और अप्रैल जून 2019 के दौरान 8.9% थी। अप्रैल जून 2020 के दौरान 15 से 29 सालों के बीच में लोगों में तो बेरोजगारी दर 34% तक पहुंच गई। कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर ऐसी चोट की है कि पर्यटन से लेकर होटल और रिलायंस जैसे क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है। छोटे उद्योगों पर ताले तक लटक गए हैं और एक झटके में लाखों लोग सड़क पर आ गए। 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हो गए, लेकिन अब 53 लाख नए पीएफ खाते खुलने के हवाले से सरकार का दावा यह है कि हालात सुधर रहे हैं। पिछले साल मार्च में जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि भारत सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन के दौरान पूरा देश बंद हो गया था। कारखाने, फैक्ट्री और तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में ताले लटक गए थे, जिसके बाद देश की कई नदियों की शक्ल सूरत बदल गई थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से किस नदी में क्या बदलाव आया है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद गंगा, यमुना समेत कई नदियों की तस्वीरें वायरल हुई थी। 2020 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें नदियों का पानी बिल्कुल साफ दिखाई दिया था। दरअसल पिछले साल मार्च और अप्रैल में लॉकडाउन के दौरान पानी की गुणवत्ता की जाँच की गयी थी। देश भर की 19 नदियों के पानी की जाँच की गयी, जिसमे से 7 नदियों के पानी में सुधार पाया गया। ये नदियां कुछ इस प्रकार है: यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा और तापी। वहीं ब्यास, गंगा, सतलुज, स्वर्णरेखा और चंबल जैसी नदियों के पानी की गुणवत्ता में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा हैरानी यमुना नदी को देखकर हुई थी। पिछले कई सालों में लोगों ने ऐसी साफ सुथरी यमुना को कभी नहीं देखा था। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस के बीच मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा बताया था, जिसके बाद अब पुतिन ने पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। पुतिन के बाइडेन के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखता है। हालांकि पुतिन ने इस बात को लेकर साफ कर दिया है कि रूस बाइडेन के इन बयानों के चलते अपना रिश्ता अमेरिका के साथ खराब नहीं करेगा। पुतिन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रूस अपना रिश्ता अमेरिका के साथ आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि पुतिन ने टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम में बाइडेन के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि जीवन में जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि ये बच्चों का कहने वाला कोई डायलॉग नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई मजाक है। देखा जाए तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। उन्होंने आगे कहा, हम हर इंसान को वैसा ही देखते हैं जैसे हम होते हैं या सोचते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।